सो वेरी गुड इवनिंग गाइस गाइस आज मैं जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्जामिनेशन के बारे में। गाइस मैंने कुछ हफ्तों पहले RTI लगाया था ITBP के ऊपर एंड देन मुझे आज उसका क्लेम मिल चुका है। गाइस ये जो मुझे रिप्लाई आया था ITBP का और ये मुझे आया था 29 जनवरी 2021 यानी इस साल को। एंड गाइस ITI के रिप्लाई में उनके संदर्भ में उन्होंने क्या लिख रखा है मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हाउएवर यू आर इन्फॉर्म दैट ऑनलाइन एडमिट कार्ड फॉर अ फ्रेश रिटर्न टेस्ट विल बी इशूड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। यानी कि गाइस उन्होंने साफ कह दिया है कि जो एडमिट कार्ड है ठीक है जो फ्रेश एडमिट कार्ड जो कि आपके ऑनलाइन एडमिट कार्ड आते हैं ठीक है वो बचे हुए समय में यानी कि जो आगे आने वाला समय है उसमें वो इशू किए जाएंगे। अभी तक कोई भी ऑफिशियली डिक्लरेशन नहीं है रिज़ल्ट के बारे में या फिर एडमिट कार्ड के बारे में ठीक है। सो एडमिट कार्ड्स अभी जो आने वाला समय है उसमें आपको पता लग जाएगा एंड आई होप सो अभी जो कल फरवरी शुरू हो रहा है तो कल फरवरी के मंथ तक आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिल जाएगा रिगार्डिंग ITBP कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के लिए। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर डैट गाइज, मैंने काफ़ी डिले कर दिया इस वीडियो को बनाने के लिए। गाइज मैं भी थोड़ा सा काम करता हूँ, मुझे भी थोड़ा सा काम रहता है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, प्लीज़ फॉरगिव मी। एंड देन गाइज ये है कि इसका जो एडमिट कार्ड्स हैं गाइज 90% चांसेस यही है कि इसका जो एडमिट कार्ड है नेक्स्ट मंथ यानी कि फेब में आ सकता है, बट देर इज़ नो सच एनी पर्टिकुलर डेट जिसमें मैं आपको बता सकूँ कि इसी दिन को एडमिट कार्ड आएगा या फिर इसी समय एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड अगले महीने ही तारीख को किसी भी समय आ सकता है और ये टेंटेटिव चीज़ें हैं, ये कोई भी कंफर्म चीज़ें नहीं है गाइस। लेकिन एज़ पर द RTI मुझे तो यही लग रहा है कि जो अभी कुछ आने वाले कुछ एक महीने के अंदर एक डेढ़ महीने के अंदर आपको अपडेट मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो गड़बड़ी हुई थी बहुत ही बड़े पैमाने पर बड़े स्तर पर गलतियाँ हुई थी इनसे ITBP को ITBP समझ गई होगी दोस्तों ठीक है। तो इस बार जो काम होने वाला काफ़ी कठोर होने वाला है और जो 7 लाख वाले बच्चे हैं जिन्होंने 5 लाख दिए थे या 7 लाख दिए थे उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि प्लीज़ ऐसे हरकतें वो दोबारा ना करें। कोई भी काम करना हो तो उसको पूरा ट्रांसपेरेंसी से और अपनी मेहनत से करो। जो इंसान मेहनत करने से डरता है वो वही ऐसे कदम को उठाता है ठीक है, दलालों के चक्कर में पड़ता है। तो आई रिक्वेस्ट टू गाइस कि प्लीज़ दलालों के चक्कर में ना पड़ें, जो बच्चे मेहनती है उसकी सीट को भी ना खाएँ ठीक है। मुझे पता है किसी बच्चों को बुरा लग रहा होगा और जो इस वीडियो को डिसलाइक करेगा वही बच्चा मेरे हिसाब से दलाल होगा जो दलाल को पैसे देता है। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को डिसलाइक करना चाहिए ठीक है, वो अलग बात है आप डिसलाइक कर दोगे मुझे क्या पता चल रहा है किसने डिसलाइक किया हुआ है, लेकिन उसको अपने अंतरात्मा पता होगा कि भाई ने सब कुछ सच बताया है लेकिन मैंने डिसलाइक किया क्यों किया है ना। तो वैसे ये बात है कि इसका एडमिट कार्ड बहुत जल्द रिलीज़ होने जा रहा है क्योंकि एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही आएगा और मे बी इस बार चांसेस यही हैं इसका पेपर भी ऑफलाइन ही होगा जैसे कि पहले हुआ था। और बात रखिए एग्ज़ाम हार्ड आएगा या इजी आएगा, तो एग्ज़ाम का लेवल यही रहने वाला जो लेवल था ठीक है। ये जो लेवल था दोस्तों ये इजी लेवल नहीं था, ये था मॉडरेट लेवल यानी कि मीडियम लेवल। सो आई होप सो आप अंडरस्टैंड करके होंगे इस बात को। और अगर इसके अलावा कुछ और अगर आप जानकारी चाहते हो तो आप मुझे पिंग कर सकते हो, आप मुझे मेरे ईमेल पे मैसेज कर सकते हो ठीक है। तब तक लिए दोस्तों आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गाइस कीप सपोर्टिंग मी, लव यू ऑल।